لله وحده والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت قدهم كل نفس شاربها القبر باب كل نفس داخلها او كما قال عليه الصلاه والسلام। सामीन गिरामी, आज हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो कब्र की पहली रात हमारा मौजू है। हम अपने इस मौजू पे आने से पहले, हम कब्र में जाने से पहले मौत वाकिया होती है। इंसान इस मौत की वजह से कब्र में चला जाता है, इस वजह से हम पहले मौत का तस्किरा करेंगे। ये मौत क्या चीज़ें, इंसान अपनी ज़िंदगी में दुनिया में ज़िंदा रहता है दो चीज़ें से, रूह और जिस्म के ताल्लुक के कायम होने से इंसान की ज़िंदगी कायम और दायम रहती है। जब तक इंसान के रूह और जिस्म का ताल्लुक कायम है, इंसान ज़िंदा है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में इंसान को ये ज़िंदगी इसलिए दी है कि ये इंसान इस एक मुद्दत मोहलत दी है, मुद्दत अमल दी है कि ये इस मुद्दत में एक मखसूस किस्म का अमल, ताकतवर किस्म का अमल करके इस अमल के ज़रिए से आखरत के तमाम मनाजिल अहसन तरीके से तय भी कर सके, अल्लाह के यहाँ सुरखरुई हासिल कर सके और इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व ताला के उन बंदों में ये शामिल हो जाए जिन बंदों से अल्लाह तबारक व ताला हमेशा राज़ी रहा है। ये इस बंदे के दुनिया में आने का मकसद। और फिर दुनिया के इस मुद्दत मोहलत में बंदा जो अमल करता है उसके अमाल अहसन अमल होना ज़रूरी है, सबसे अच्छे अमाल होना ज़रूरी है। और इसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायासु मंदान नफ्सहु व आमिला लिमा बादल मौत। तुम में से होशियार बंदा वो है कि अपने ज़ात को पहचान ले कि मैं किस लिए आया हूँ इस दुनिया में और क्यों मुझे इस दुनिया में भेजा गया है, ये पहचान अपनी होना चाहिए। और मेरा इस दुनिया के अंदर क्या काम है, क्या मैंने कार्रवाई करनी है, किस दर्जे में करनी है, कब तक करनी है, ये पहचान बंदे का होना ज़रूरी है। अलकयसु मन दान नफ्सहु। और फिर बंदा गफलत से दोचार ना हो जाए बल्कि बंदा इस दर्जे में अपने आप को रखे, इस दर्जे में रखे कि मैंने मुद्दत मोहलत मेरे पास बहुत कम है लिहाजा मुझे पूरी तैयारी करनी चाहिए। अलकयस उमान मंदान नफ्सहु। होशियार बंदा वो है जो अपनी ज़ात को पहचाने कि मेरे पास करीन वक्त है, इस करीन वक्त में मैंने कुरान की तिलावत भी करनी है, अल्लाह के हुकूम में से नमाज को भी बजा लाना है, रोज़ों को भी बजा लाना है और हज भी करनी है, ज़कात भी बजा लानी है, सदका भी देना है, मैंने लोगों के साथ नेकी भी करनी है, इमादतुल अज़ा रास्ते से गलत चीज़ों को भी हटाना है, फसाद को भी दफ़ा करना है, जहाद भी करना है, मैंने एक छोटे छोटे अमल जो है किसी अमल को ज़ाया होने न देना, इसको मुद्दत मोहलत से फ़ायदा हासिल करना कहा जाता है। अगर हम अपनी ज़िंदगी को इस तरह गुजारेंगे, जब हमारी अलकयस मंदान नफ्सहु व आमिला लिमा बादल मौत, और फिर मंदा आने वाली ज़िंदगी मौत के बाद जो मराहल हैं उनके लिए तैयारी करता रहे, ये बंदा होशियार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौत ये इनकता है रूह का जिस्म से ताल्लुक के कट जाने का नाम मौत। जब रूह का जिस्म से ताल्लुक कट जाता है तो फिर इंसान की मौत वाकिया होती है। जब मौत वाकिया होती है तो मौत की हालत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुज़ूर सल्लम की हदीस है, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला तहम्मुल सकरातिल मौत, या अल्लाह मुझे सकरातिल मौत के
मौत के तहम्मुल पर आसान फरमा, उनको मौत की मुसीबतों को, दुखों को, तकलीफों को मुझ पर आसान फरमा दे। दो जहां के सरदार ने फरमाया। और ये सकरातुल मौत, जान कोनी जिसको कहा जाता है, ये इस कदर सख्त है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने एक जवान की कब्र पे जाके उसको आवाज़ दी। लोगों ने मुतालबा किया कि इस जवान को उठा दे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बतौर मोजज़े की आवाज़ दी, वो बंदा अल्लाह तुम भी इसने अल्लाह अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जा। उनकी कब्र खुली, वो बच्चा बाहर आया, जवान बाहर आया। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे मुख्तलिफ सवालात की। एक सवाल उनसे ये था कि मौत ने आपके साथ क्या सलूक। उसने कहा मेरे साथ मौत का सलूक ऐसा सलूक रहा, मेरी जान इस तरह निकली जैसा कि एक चिड़िया को, जिंदा चिड़िया को सीख में लगा के आग पे उलट पुलट की जाए, इस तरीके से जान कोने की अजियत हुई। या जिंदा बकरी का चमड़ा उतारा जाए, जितने तकलीफ जिंदा बकरी को होती है इसी तरीके से जान के निकलने की तकलीफ बंदे को होती है। और फिर इसमें ये ज़रूरी है कि बंदा अल्लाह तबारक व तआला से इस आने वाले जान कुनी के दिन से पनाह भी मांगे, आसानी की दुआ भी करे। जब आपकी जान निकल जाती है तो हमेशा ये होता है कि कोई भी मुसलमान जो है दुनिया से रुख्सत होता है तो उसके फौरी तौर पे तजहीज और तकफीन होती है, यानी उसका नहलाया जाता है, दुलाया जाता है, फिर उसको कब्र में लेके उतारा जाता है। ये कब्र की निदा हमेशा कब्र सदा लगाती है, आवाज़ें देती रहती है कि आना बैतुल गुरबा, मैं गुरबत का मुसाफिरत का घर हूँ, मुसाफिर घर हूँ, मेरे यहाँ कोई तुम्हारे लिए ऐसी सहूलत नहीं है जो तू खुद करके नहीं आएगा। जिस तरह मुसाफिर बगैर वसाइल के होता है, मेरे यहाँ भी वसाइल नहीं है, आपने खुद वसाइल पैदा करके आना है। आना बैतुल वहदा, मैं तन्हाई का घर हूँ, मेरे पास कोई भी किसी के लिए भी कोई उनस नहीं है, कोई उसका दिल बहलाने वाला नहीं होगा, लिहाजा तूने मेरे पास आना है तो तेरे लिए ज़रूरी है कि अपने लिए आमाल का ऐसा जखीरा जमा कर ले जो तुझे मानूस करे, तेरी परेशानियों को, तेरी वीरानियों को दूर करे, ऐसे आमाल तू कर किया। इसी तरीके से कब्र ये भी निदा लगाती है, आना बैतुत तुराब, मैं मट्टी का घर हूँ, मेरे यहाँ जो भी आया वो मट्टी से मिल जाएगा, उसका जिस्म भी पिघल जाएगा, उसके आंखें भी पिघल जाएंगी, उसका दिमाग भी गल सड़ जाएगा, उसका सारा जिस्म बिगड़ जाएगा। लिहाजा तुझे चाहे कि अगर अपने जिस्म को महफूज करना है, अपने आंखों को महफूज करना है, दिमाग को महफूज करना है, तो अमल की ताकत पैदा कर। तेरे अमल में ये सलाहियत होनी चाहिए जैसा मुजाहिद के इस जहाद में और शहीद के शहादत में ताकत है कि उसके जिस्म को मट्टी नहीं खाती, इसी तरह आपका अमल भी ऐसा होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए कि मट्टी कुछ असर न करे। इसी तरीके से यही कब्र आवाज़ देती है, ना बैतुल दूद, मैं कीड़ों का घर हूँ। चंद दिनों के बाद बंदे के जिस्म पिघल जाता है, जब जिस्म पिघल जाता है तो सारे अंदर से गोश्त को कीड़े लग जाते हैं, पेट के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, नाक में, आंख में, कान में, चंद दिनों के अंदर वो कीड़े, सारे कीड़े ही कीड़े पे जिस्म में पड़ जाते हैं। लिहाजा आपके अमल में ताकत है, आपको वहां से दुनिया से जाना हो तो दुनिया से अमल की ताकत से इन कीड़ों से अपने आप को तो महफूज कर सकता है। आपको चाहे मेरे पास आना हो तो इस सलाहियत के साथ आए। ये कब्र की आवाज है। सलमान बिन अब्दुल मलिक ने अबू हाजिम से, बादशाह वक्त था, बनू उमैया का खलीफा था, अबू हाजिम रहिमुल्लाह बड़े वलीउल्लाह थे, उनसे दरियाफत किया कि अबू हाजिम हमें मौत से बहुत सख्त परेशानी होती है और हमें नफरत है मौत से। कहा अबू हाजिम ने कहा हजरत इसलिए तुझे मौत से नफरत है कि तुमने अपनी आखरत को वीरान किया हुआ है और दुनिया को आबाद किया हुआ है। जब बंदा वीरानी की तरफ जाता है तो परेशान तो होता है, उसको नफरत तो होती है, लिहाजा आपको अपनी आखरत के लिए आखरत को आबाद करना चाहिए। आखरत का घर आबाद होगा तो वीरानी नहीं होगी और वीरानी नहीं होगी तो परेशानी नहीं होगी। इसी तरीके से सुल्तान संजर कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, एक बूढ़े को देखा, वो कब्रों के अंदर झांक झांक के देख रहा था। सुल्तान संजर ने कहा कि भाई क्या मामला है, आप क्यों क्या देख रहे हो। उसने कहा मैं इस कब्रों में झांक के देख रहा हूँ, यहाँ बूढ़ा भी है,
जवान भी पड़ा हुआ है, बादशाह भी है, गदा भी है, एक मुसाफिर भी यहाँ पड़ा हुआ है। अब मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ फिर अब भी कोई मरातिब का फर्क रह गया है? देखा कोई नहीं। एक और अल्लाह के वली के मुतालिक है, वो कब्रिस्तान में बैठा हुआ था, हजरत शमनून रहिमहुल्लाह के मुतालिक में लिखा है बागी वो था, तो उनके मुतालिक लिखा है कब्रिस्तान। कहा बहलूल रहिमहुल्लाह के मुतालिक में लिखा है, बाद में बहलूल का लिखा है। कहा इधर क्या करते हो? तो उनने कहा कि मैं अल्लाह और बंदों के दरमियान सुलह कराना चाहता हूं कब्रिस्तान में बैठ। कहा तो क्या सुलह हो गई है? कहा पहले अल्लाह मानता था, ये नहीं मानते थे, अब अल्लाह नहीं मानता है, ये मान रहे हैं, मुर्दे मान रहे हैं लेकिन अल्लाह नहीं मानता। लिहाजा मेरे भाई कब्र में जाने से पहले मुझे और आपको चाहे कि अपने इसलाह करें और इस कब्र की तैयारी करें जहां हमने तनहाई में रहना है, अकेला रहना है, कीड़ों के अंदर रहना है, मिट्टी में मिल जाना है, इसकी तैयारी जरूरी है। इसी तरह हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु जब कब्रिस्तान से गुजरते थे, जार और कतार रोते थे, इस कदर रोया करते थे कि उनकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाया करती थी। किसी ने पूछा आप आखरत का तज़किरा होता है, खौफ खुदा का जिक्र होता है, इतने नहीं रोते हैं लेकिन कब्रिस्तान को देख के ज्यादा रोते हैं? कहा फइन तंजु मिनहा तंजु मिन अज़ीमत, अगर तुम इससे बच गए तो बहुत बड़ी चीज से आप बच गए। यहाँ इस मुसीबत से पहले इस मंजिल से मैंने दो जहां के सरदार को सुना है कि जो बंदा कब्र की से कब्र के आदाब से बच गया, इस मंजिल से बच गया, तो आगे सारे मराजिल उसके लिए आसान हो जाएंगे। ये पहला मरहला है। मोमिन जब दुनिया से रुखसत होता है तो उसका पहला वास्ता कब्र से पड़ता है, लोग दफना के चले जाते हैं, उसका हिसाब और किताब शुरू हो जाता। एक ही तरीका हिसाब का, तीन सवाल है कब्र के अंदर बंदे से सवाल हूं। ये पहला सवाल, जब उसको उठा के बिठाया जाता है, रूह उसमें डाली जाती है, तो उस वक्त वो बंदा अपनी आंखों को मलता हुआ, जैसा बंदा नींद से बेदार होता है, उठता है तो सूरज उसके तरफ मुतमसिल, सूरज का तस्वुर उसके दिमाग में डाल दिया जाता है। बाद मुफस्सिरीन ने इस हदीस का यूं माना किया है कि वो देख रहा, सूरज को वो देख रहा होता है, सूरज को इस शिकल में लाया जाता है कि गोया के सूरज गुरूब की तरफ जा रहा है। उस बंदे को ये एहसास दिलाया जा रहा है कि दुनिया से तो चल गया, एक और मंजिल की तरफ तो सफर कर रहा है, दिन गुजर गया, अभी रात आ गई, इस रात के सफर के लिए तुझे तैयार होके आना चाहिए था। ये एहसास दिलाने के लिए वो सूरज का गुरूब इस बात पे दलालत कर, जब सूरज के गुरूब को देखेगा तो वो बंदा कहेगा मुझे छोड़ो, मैंने नमाज पढ़नी है, नमाज का वक्त हो गया। ये मोमिन के नमाज असर की अहमियत पे दलालत करता है कि मोमिन की शान ये है कि वो मरने के बाद भी जब उसको सबसे अहमियत चीज की तरफ तवज्जो दिलाई जाती है तो वो नमाज की तरफ मुतवज्जो होकर कहता है मुझे छोड़ो, मैं नमाज और फिर उसको बिठा के उससे तीन सवाल किए जाते हैं। मर रब का तुम्हारा रब कौन है, मा दीनों का तुम्हारा दीन क्या है, और मन नबीयों का या मादा तकूल फी हादर रजुल, तो इस शख्स के बारे में क्या कहता है, तुम्हारा नबी कौन है, ये तीन सवाल होंगे। जिस बंदे ने जिसका अकीदा दुरुस्त होगा, जिनके आमाल में ताकत होगी, उसकी जबान खुद ब खुद गोया होगी, वो अच्छे सवाल का जवाब दे देगा। जब ये तीनों सवालों के जवाब उससे मुकम्मल हो जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला उसके कब्र को 70 गज वसी कर देगा। ये कब्र की पहली रात, 70 गज एक तरफ से, 70 दूसरे तरफ से, चारों तरफ से इसके कब्र वसी होगी। और फिर ये है कि जन्नत की किरखियां अल्लाह तबारक व तआला इसके लिए खोल देगा। फिर ऐलान होगा कि अब शुरू तो खुशखबरी हासिल कर ले, बिशारत हासिल कर ले, तेरे रब ने तुझे ऐसा बनाया, तूने अपने रब को राजी किया, अब अल्लाह ने तुझे ये सहूलत दी है कि इस मकाम पे कब्र की इस हालत में तुझे अल्लाह ने ये सुकून दिया। और फिर ऐलान होगा नम सो जा, नम सो जा का नाउ मतिल अरूस,
दुल्हा और दुल्हन जिस तरह सोते हैं इस तरीके से तू भी सो जा। उनके महबूब तरीन आदमी उनको जगाता है, दुल्हा दुल्हन को इसके अलावा कोई नहीं। इसीलिए तेरा महबूब अल्लाह है, क़यामत के दिन तुझे जगाएगा, तू अभी सो जा। ये बंदा सुकून से सो जाएगा। ये कब्र की पहली रात है, इस रात के लिए मुझे और आपको तैयारी करनी चाहिए। जब रूह को यहाँ से रूह जब परवाज करती है तो आसमानों पे फरिश्ते इस रूह को, अगर नेक बंदा है, अच्छे आमाल करके यहाँ से गया है, तो किसी खूबसूरत कपड़े में लपेट करके फरिश्ते उस रूह को लेके जाते हैं एक आसमान से दूसरे आसमान तक। वहाँ हर एक उसके खुशबू देख के, उस रूह की खुशबू देख के, उनका वो कपड़ा देख के फरिश्ते मुबारकबाद देखते हैं, खुशबू को महसूस करते हैं। और इसके साथ साथ ये जाता हुआ अल्लाह के सामने पेश होता है। अल्लाह कहता है बहुत अच्छा, मेरे इस बंदे को इन्नीन में इसका इंदराज करा लो और इस रूह को वापस कब्र में भेज दो, क्योंकि मैंने इसको इसी मिट्टी से पैदा किया और मिट्टी ही में इसको दफनाना है और फिर मिट्टी ही से इसको उठना है। ये अल्लाह के तरफ से ऐलान होगा। अगर कोई बदबख्त है तो उसको सिज्जीन में इसका इंदराज होगा और फिर जहन्नम के सारी किरचें उस कब्र के से खोल दी जाएंगी। जहन्नम के वो धुआं और वो आग महसूस करता रहेगा, वो पीप और खून महसूस करता रहेगा। ये बंदा इसी तरीके से अपने इस कब्र के अंदर ये उन मुसीबतों से दोचार रहेगा। इस पहली रात के लिए मुझे और आपको तैयारी करना चाहिए। वो तैयारी ये है कि हम अल्लाह के अहकामात को कमा हक हो, जिस तरह हमसे हो सके, जहाँ तक हो सके, कोशिश करके अल्लाह के किसी हुक्म को न तोड़। और फिर हमें अल्लाह किसी ऐसी जगह में ना देखे जहाँ पे अल्लाह नाराज़ होता है, ये हमारे लिए ज़रूरी है। और इसके साथ साथ इस रात के लिए, इस पहली रात के लिए जो तैयारी है वो अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी को अज़ियत नहीं देना, ये भी ज़रूरी चीज़ है। फिर माशरे में जहाँ हमारा माशरे के साथ साथ हमारे मामलात हैं दुनिया के अंदर, हम अपने मामलात को भी अल्लाह की शरीयत के मुताबिक ले आएँ, अपने माशरे को भी अल्लाह की शरीयत के मुताबिक ले आए, तो हमें ये कब्र की पहली रात बड़ी आसान हो जाएगी। अल्लाह तबारक व ताला हमें अमल करने की तौफीक।